हेलो, ये देखिए बनास नदी है, बिल्कुल टोंक के पास से होके जाती है और इसमें पानी बहुत तेजी से आ रहा है। अभी देखिए आप, ये देख सकते हैं आप बनास नदी का विहंगम दृश्य। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की तरफ बीसरपुर डैम है जो कि बनास नदी पर ही बनाया गया है, जो कि लाइफलाइन है लगभग 2 करोड़ लोगों की, जिसमें जयपुर, अजमेर, उसका आसपास बहुत सारे गांवों की। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बीसलपुर डैम पे भी गए थे, जहाँ का भी हमने आपको फोटो दिखाया था। यहाँ से टोंक शहर मात्र 5 किलोमीटर दूर है। ये मेरी धर्मपत्नी पुष्पा महावर है, जो कि रोजाना स्कूल जाते समय ये बनास नदी की धार को देखती है, जो कि पास में सोहेला स्कूल है, वहाँ पर एक पोस्टेड है टीचर। आज हम टोंक से जयपुर गए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी रुककर इस बनास नदी के विहंगम दृश्य का अवलोकन करूँ। ये हम सब की माँ है, जो कि हम सबका भरण पोषण करती है। पानी से इसकी नहरों द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, जो कि लाखों एकड़ जमीन को सिंचित करते हैं। ये देखिए, यह पुल पर खड़े हैं। इसमें पुल बनास नदी का जो पुल है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। देख सकते हैं ट्रक निकल आ जा रहे हैं। मैं बनास नदी को बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब लोगों की प्याज बुझाते रहे और अन्न उत्पादन करके हमारे सब लोगों का पेट भरती रहे। पुष्पा इधर देख, सेल्फी। ये सेल्फी ले लिया है मैंने। ये देखिए कार का हमारा नंबर भी आ रहा है। जो हो, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट में आप नदी का दृश्य देख सकते हैं। अभी हम जयपुर से टोंक की तरफ जा रहे हैं और अभी सुबह हम टोंक से जयपुर की तरफ गए। आज जन्माष्टमी है तो इसके उपलक्ष में अब अपने ससुराल गए थे, यानी कि मेरी धर्मपत्नी के पियर गए थे। धन्यवाद।